योगी सरकार में भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। बीती रात भांजी को उठाने घर में घुसे दबंगों ने विरोध कर रहे मामा को पीट पीट कर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जय भोले सेवा समिति की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में अपार खुशियां दे। आने वाला नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसकी ओर से दिव्यांग एवं दीन दुखियों की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ में सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि अपने अपने पास के दिव्यांगों के साथ ही नववर्ष मनाएं। मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा बीबीजेई का है, जहां मनोज की 17 वर्षीय भांजी को घर में घुसे गुंडू आकाश, शाखा, जूली, बबली आदि ने उसके भांजी को घर से उठाने का प्रयास किया। जिस बात का विरोध घर में मौजूद इसके मामा मनोज ने किया तो सभी दबंगों ने एक होकर मनोज को धारदार हथियार से पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो इन लोगों ने किया, जो लड़की हमें दे दो, तो हमने क्या ऐसा नहीं है, हमने मोहल्ले में सबके बात बताई कि ये मेरी लड़की मांग रहे हैं। मोहल्लों वालों ने उसे डांटा कि नहीं लड़की मत मांगो। जब ये रात में हबरवा करा हुआ तो जब मेरा भाई और मेरी लड़की मेरे साथ में सो रही थी, जब हमने लड़की को लेकर मेंबर के यहाँ भागे तो मेरा भाई हुआ मुझसे जुदा होकर फंस चुका था। ये लोग आंखी और वो बंके चलाने लगे, छुरी चक्कू चलाने लगे और कोई चमचा चलाने लगे, तो मेंबर के यहाँ मैं अपनी लड़की डारी आई थी। जब मेंबर ने फोन किया पुलिस को का जल्दी से आ जाओ, यहाँ बहुत होड़ छोड़ हो रहा है। जब ये लोग मेरे भाई की हत्या कर चुके थे, जले लोग पुलिस आ ही नहीं पाई। कान काटे गए, नाक काटी गई, आंख निकारी गई, लबिया घुसी गई मंगाज में। आज जब हुआ डर झुपड़िया में पड़ा मिला, जब हम लोगों को पुलिस निकाल लाई कि कहाँ है तुम्हारा भाई, जब हुआ लैस मेरे भाई की मिली। ये मोहल्ला खेड़ा बीबीजेई शाहबाद में मनोज पुत्र छोटे लाल कंजट, इसकी डेड बॉडी पाई गई है, जो है उम्र लगभग 30-35 साल के आसपास है। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है वह 5 लोगों के विरुद्ध नामजदगी की गई है और बेबी जो कि मृतक की बहन लगती है उनके द्वारा FIR कराई गई है, जिसमें 5 लोग नामजद कर किए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या के पीछे वजह क्या रही इसमें? हत्या के पीछे अभी इनका जो आरोप है वो ये है कि कल शाम को इनके बीच में आपस में कहासुनी हुई थी, जिसका मामला सुलटा लिया गया था। उसके बाद पुनः जो है ये आरोपी गण आए और उन्होंने इनके भाई की हत्या की। शव जो है छत विछत अवस्था में मिला है, तो कैसे क्या हत्या की गई, क्या प्रथम दृष्टया जो लग रहा है पुलिस? अभी ये स्थिति तो PM रिपोर्ट से स्पष्ट होगी कि शव को छत विछत जो है वह अभियुक्तों के द्वारा किया गया है अथवा इसको जानवरों के द्वारा छत पहुँचाई गई है। ये स्थिति जो है वो जो बाइटिंग टेंडेंसी है वो चीज़ PM में स्पष्ट होगी।